दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय युवान ट्रेडिंग कंपनी डिडवी डिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। आज सरकाघाट में भत्रवा वन महोत्सव वन विभाग और रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में चंद्रा कड़ी समीप पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि एसडीएम सरकाघाट राहुल जैन ने पौधारोपण कर शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि लोग ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं ताकि पर्यावरण सुरक्षित व संतुलित रह सके तथा आपदाओं से भी बचाव हो सके। उन्होंने बताया कि इस अभियान में 300 पौधे लगाए जा रहे हैं। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष अनुप कुमारी, उपाध्यक्ष ध्यान सिंह, सभी पार्षद, जिप सदस्य मनीष शर्मा, वन रेंज अधिकारी मदन लाल शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वन महोत्सव सरकार की तरफ से कल शुरू हो गया था। इस बार एक योजना ऐसी बनी थी कि रेडक्रॉस जो है वो इसमें पर्यावरण को आगे बढ़ाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाएगी। उसके लिए हमने एक योजना बनाई कि हम वन विभाग के साथ मिलकर लगभग 100 हेक्टेयर ज़मीन पर पूरे प्रदेश भर में लगभग 110,000 पौधे लगाने का हमारा लक्ष्य है। पहले तो हमारी योजना ऐसी थी कि हम इसको एक ही दिन में कर पाएँ, परंतु कोरोना के कारण एक साथ इतना लोगों को एकत्रित करना वो ठीक नहीं लगा, इसलिए इसको चरणबद्ध तरीके से हम प्रदेश के सभी भागों में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हर एसडीएम लेवल पे हमने ये योजना बनाई है कि वहाँ जाकर वो उन्होंने लैंड चिन्हित किया है और उसके बाद रेडक्रॉस के कार्यकर्ता, चुने हुए प्रतिनिधि, महिला मंडल, युवक मंडल और अन्य एनजीओ का सहयोग लेते हुए हम लोगों को पर्यावरण के प्रति जागृत करेंगे। और देखिए, कोरोना के समय हमने देखा कि बहुत ऑक्सीजन का क्या महत्व है, हमें ध्यान में आया कितने लोग ऑक्सीजन के कारण मरे और ये हमें फ्री ऑक्सीजन मिलती है पेड़ों से, इसलिए इसका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए रेडक्रॉस इसके लिए पूरी तरह से मतलब समर्पित है और हम पर्यावरण को संरक्षण में हम अपना भरपूर योगदान देंगे। ये पौधे लगाना ही लक्ष्य, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पौधे लगाने के बाद क्या होता है कि यदि हम उसका संरक्षण नहीं करते हैं तो वो मर जाते हैं, अगले वर्ष हम जाते हैं तो एक तरह से बस ये रस्मी परंपरा हो जाती है कि हमने पौधे लगाए, हर वर्ष लगाए, जाके हमने उसको देखा नहीं। इस बार हमने सुनिश्चित किया है कि जहाँ जहाँ पर भी पौधे लगेंगे वहाँ पर जो जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और जो रेडक्रॉस के कार्यकर्ता और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट हो और उनको बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। हम इस तरह की उनको एजुकेट भी करेंगे और उनके बार बार बीच में हम फॉलोअप भी करेंगे और किसी को सुनिश्चित जिम्मेदारी भी हम किसी अधिकारी की सोच रहे हैं कि ऐसा रहे कि वो जाकर बीच बीच में देखे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज़ का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे, भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज़ फेसबुक पे और यूट्यूब पे।